पवित्र रमजान माह के अंतिम दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चांद के दीदार कर शनिवार को ईद की नमाज अदा की। देश व प्रदेश भर के साथ शिमला में भी ईदगाह मैदान व जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शिमला के ईदगाह मैदान में सुबह 9:30 पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा 29 दिन के रोजों के बाद शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। दोनों मस्जिदों में शिमला के ईदगाह मैदान में नमाज अदा कर अमन और चैन की दुआ मांगी गई। कई जगह लोगों ने अपने अपने घरों में भी नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं मौलवी मुमताज अहमद कासमी ने कहा कि ईद का दिन अल्लाह ने दिया है, आज इस पाक दिवस पर नमाज आता है अता की गई है। सभी ने आज इस पवित्र दिवस पर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। एक माह के रोजे के उपरांत आज ईद के पर्व पर नमाज अता की गई, जिसमें अल्लाह से देश में सभी धर्मों के आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुमताज अहमद कासमी है और मैं शिमला में रहता हूँ। शिमला में इस ईदगाह का ख़तीब हूँ। 40 साल से यहीं मैं खिताब करता हूँ ईद के उसमें। लेकिन ये ईद का दिन जो है, हमें खुशी का दिन अल्लाह ने दिया है। एक महीना रोज़ा रखने के बाद, एक महीना रोज़ा रखते हैं सारे मुसलमान, दिन में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो उसकी खुशी में अल्लाह ने हमको ये दिन दिया है कि आज खुशी में। लेकिन खुशी के इस दिन में कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाए। इसीलिए हर दिन 5 नमाज़ें हैं, लेकिन ईद के दिन 6 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जिनमें से एक नमाज अभी पढ़ी गई है। और इसके अंदर जो तकबीरें कही जाती हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये तसव्वुर हर इंसान के दिल में होना चाहिए कि इंसान को बनाने वाला वो कुदरत है जिसने आंखें बनाई, ज़बान बनाई, हाथ बनाए। ये सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे बड़ी ताकत उसकी है, और हर इंसान को उसकी ताकत पर यकीन रखना चाहिए। सदियों से यहाँ प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता रहा है। मुसलमान एक ख़ास कम्युनिटी को कुछ दिनों से निशाना बनाया जा रहा है, जिसका हमें बेइंतहा अफसोस है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बहुत से हजरात एतराज़ करते हैं कि ये इस्लाम बाहर से आया है, इस्लाम जब से है, जब से इंसान पैदा हुआ है, सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, इस्लाम के माने हैं मानने के। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो हमारे इसी मुल्क के अंदर उनको उतारा गया। इस्लाम अरब से आया, अरब से नहीं, हमारे ही मुल्क से वो चला है। और इस्लाम के माने मानने के आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम भी यही था कि एक दूसरे के साथ मिल के रहो, मोहब्बत से रहो, नफ़रतें ना करो। लेकिन कुछ दिन से हमारे इस मुल्क को नफ़रतों की आमाजगा बना दिया गया। ज़रा सी बात होती है, एक कम्युनिटी को निशाना बना दिया जाता है। ये काबिल अफसोस है, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग इन नफ़रतों को फैला रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और या उनके दिमाग को अल्लाह से ही कर दे। बददुआ उनके लिए भी नहीं करते। हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।